टीम संघर्ष के सदस्यों द्वारा मसूरी में युवाओं में बढ़ रहे नशे की लत को लेकर चिंता व्यक्त की, जिसको लेकर मसूरी के होटल में आयोजित पत्रकार वार्ता करते हुए टीम संघर्ष के सदस्य पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष नितिन दत्त, सचिन गुहेर, मोहन सिंह कैतुरा, नीरज शिमवार, रणजीत चौहान, राकेश और आशीष ने कहा कि मसूरी में मसूरी और आसपास के क्षेत्र में लगातार युवा नशे की चपेट में आ रहे हैं, जिसको लेकर सभी लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि आज का युवा जो कल का भविष्य है, युवा नशे की ओर जा रहा है। ऐसे में सभी परिजनों को इसको लेकर चिंता करनी पड़ेगी, वह अपने बच्चों के ऊपर विशेष नजर रखनी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि पूरे मसूरी में स्कूलों और घरों में जाकर युवाओं और उनके परिजनों को नशे को लेकर और उससे हो रहे नुकसान को लेकर जागरूक कर रहे हैं। वहीं शासन प्रशासन से भी नशे के कारोबार करने वालों पर लगाम लगाने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि नशे को लेकर हम सबको एकजुट होकर लड़ना होगा, तभी नशे में अपने बच्चों को बचा पाएंगे। उन्होंने मसूरी पुलिस से भी मसूरी में बढ़ रहे नशे के कारोबार पर अंकुश लगाने की मांग की है। जिस तरह की हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, उसमें सिर्फ हमारा एक ही मोटो है कि हम जो हमारे बच्चे हैं शहर के और स्कूल कॉलेजेस जो भी है, जहाँ भी छात्र हमारा पढ़ता है, हम उन सबको लेके एक अभियान चलाएंगे और उसमें हमारा पूरा एक संघर्ष टीम हमारी रहेगी और हम डोर टू डोर ना करके स्कूलों में जाएंगे, जिससे कि वहाँ ये बताएंगे कि आप सबसे पहले क्यों नशे की तरफ जा रहे हैं या नशा इतनी बड़ी उपलब्धि आज मसूरी में कैसे हो पा रही है नशे की। तो कहीं ना कहीं हम ये कहना चाहेंगे कि माँ बाप हो या फैमिलीज़ हो, नशे के लिए एक खड़े होकर अपने बच्चों को देखें कि क्या एक्टिविटीज़ तुम्हारा बच्चा क्या कर रहा है। अभियान की शुरुआत हो जाए सर, जिससे कि ये एटलीस्ट ये तो हो कि हमारे जो बच्चे इस घर में फंस चुके हैं, वो इस घर से वापस आने का कोई ना कोई ऐसा समाधान निकले, जो कि मेरे कहने से या मेरी टीम के कहने से कुछ नहीं होगा। ये पूरा का पूरा जो समाज है, ये इकट्ठा हो कलेक्टिवली इसको काम को करे। और मैं ये बोलना चाहूँगा इस नशे के ऊपर, क्योंकि नशा जो है पूरी पीढ़ी ख़त्म कर देगा, और पीढ़ी ख़त्म हुई तो हमारा जो उत्तराखंड का हमको जो इतना हमने बलिदान दिया उत्तराखंड को, या इसके आंदोलन के लिए हमने इतनी, हमारे बुजुर्गों ने इतनी अपनी लाठियाँ भी खाई है, डंडे भी खाए, जेल भी खाई है, बेइज्जती भी हुई है, तो उसका तो आज सिस्टम ख़त्म हो गया ना। जो अब बच्चे जो पीढ़ी आई थी वो तो नशे की तरफ जा रही है, ख़त्म होती जा रही है। कोई ये नहीं पता जो चीज़ गवर्नमेंट ने ही बैन कर रखी है तो उसमें कुछ ना कुछ तो लक्षण होंगे कि वो बैन करी गवर्नमेंट ने। अल्कोहल आपकी मिलती है ना आपके वाइन शॉप पे, ये क्यों नहीं मिलता है? ये सोचने का विषय है भाई। बच्चा जब ये चीज़ कर रहा है तो एक बार ये दिमाग में लग, हाँ यार अगर ये चीज़ अगर गवर्नमेंट अगर किसी को अलाउड कर रही है, मतलब वाइन शॉप में अगर मिल रही है, तो